शिवराज सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में बस ऑपरेटरों का 125 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करने के बाद अब चालक परिचालक अपने हितों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। खरगोन में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल के दौरान 5 माह का वेतन 7,500 रुपए के हिसाब से देने की सरकार से मांग की है। आज खरगोन जिले के करीब 500 से अधिक निजी बस के संचालक परिचालक ने शहर में रैली निकालकर सरकार से वेतन देने की मांग की है। इस दौरान चालक परिचालक ने आज से भीख मांगो और पेट भरो अभियान की शुरुआत की है। रैली के दौरान शहर में भीख मांगी चालक परिचालक सामाजिक कल्याण संस्था के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सेन का कहना है कि प्रदेश में चालक परिचालक की कोरोना काल में भूखे मरने की नौबत आ गई है। सरकार ने कोई सुध नहीं ली, बस ऑपरेटरों का टैक्स माफ कर दिया, लेकिन बेरोजगार चालक परिचालक पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 5 माह के 7,500 रुपए के हिसाब से वेतन नहीं दिया तो चालक परिचालक भूख हड़ताल करेंगे। आज से हमने सरकार को जगाने के लिए भीख मांगो और पेट भरो अभियान की शुरुआत की है। सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो यात्री बस नहीं चलने देंगे। चालक परिचालक संगठन ने 10 दिन में मांगों का निराकरण नहीं करने पर सरकार को भूख हड़ताल करेंगे की चेतावनी दी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारा ये अभियान जो कोरोना महामारी में विगत 6 महीना चालू हो चुका है और चालक परिचालक सामाजिक कल्याण संस्था 6 महीने से घर बैठे हैं। हमारी चालक परिचालक की इतनी दयनीय स्थिति है कि खाने पीने तक भूखा मर रहा है। अभी माननीय शिवराज सिंह मामा ने बस ऑपरेटरों का 5.5 महीने का टैक्स माफ कर चुकी है, मगर हमारे चालक परिचालकों के लिए अभी तक उन्होंने उनके माथे में कोई जीव नहीं रेंगी है। ना हमें कोई शासन द्वारा सहायता राशि मिली है, ना बस ऑपरेटर द्वारा सहायता राशि मिली गई है। मैं कहना चाहता हूँ शासन से कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी उनके परिवार का हिस्सा है। अगर आपके यहाँ 2 बेटे हैं तो 1 बेटे को 125 करोड़ रुपये बस ऑपरेटरों को टैक्स माफ चुकी है, तो हम तो चालक परिचालक लाखों की मांगे कर रहे हैं। या चाहे कुछ भी दे, महीने का दे, 2 महीने का दे, 3 महीने का दे, कुछ तो दे, हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा है। एक किसान मर रहा है तो उसे 200 करोड़ रुपये दे रहा है, दिए जा रहे हैं। एक बॉर्डर पर रहने वाले सेना का व्यक्ति मरता है, उससे 1 करोड़ रुपये की घोषणा की जाती है। तो हम भी चालक परिचालक एक अंतर सिपाही हैं, हम भी सेवाएं दे रहे हैं, हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है। हमारी मुख्य मांगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।